नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और मेरा जो फॉलोअर्स बिगिनर्स है अभी और इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर हार्डवेयर कर रहा है या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल लाया हूँ। तो देखिए, इसी ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा बेसिक जो सिंबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का वो क्या है और कैसे दिखता है और उसे कैसे समझना चाहिए। तो पहले ये रजिस्टर पे, रजिस्टर तो इसका सिंबल है ऐसा, ये देखिए ये रजिस्टर का सिंबल है। और रजिस्टर बहुत सारा होते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए रजिस्टर, ये 46 और 47 ओम्स का है। और ये देखिए रजिस्टर, ये सब कार्बन रजिस्टर है। और वायर रूंड होते हैं, वेरिएबल रजिस्टेंस होते हैं, ये सब होते हैं। तो ये सब मैक्सिमम कार्बन रजिस्टर हम लोग यूज करते हैं। और जो लैपटॉप और डेस्कटॉप में लगता है वो एसएमडी होता है। ओके, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं अलग अलग टाइप्स का और दूसरा निकाला। तो ये देखिए इधर वायर वुंड रेजिस्टेंस, मतलब इसमें वायर को ऐसे वुंड, मतलब इसमें घुमा घुमा के इसमें लगाया गया है। और ये वायर का रेजिस्टेंस इसमें वैरी करता है। और इसमें इस वैल्यू लिखा हुआ है, देखिए 15E 10 वाट, ये 10 वाट का है। और इधर है 10E 10 वाट, मतलब ये 10 ओम्स का 10 वाट का है। और इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे 10 के है पर ये इसका मतलब ये घटिया चीज है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम है कि ये जो प्याज मैं लेने जा रहा हूँ, मतलब कि घटिया, मतलब एकदम लोकल का है। तो इसलिए यहाँ पे 10 के जो लिखा हुआ है वो दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। तो ये 10 के है, ये वेरिएबल है, जैसे कि वॉल्यूम स्विच में लगता है, आप देख सकते हैं इसे। और मतलब ये होम थिएटर में कोई ऑडियो डिवाइस में ये लगता है या फिर दूसरी जगह पे लगता है। और ये देखिए प्रीसेट कहते हैं इसे, ये इसे VR वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं आप। एक्चुअल नेम इसका जो नाम है वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये देखिए 5K, ओके। और इधर देखिए 103, ये इसका मतलब 103 के नहीं है, ये इसका नंबर है। तो ये नंबर दे के आपको निकालना होता है इसका वैल्यू, तो वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो ये वेरिएबल है और इसे आप फिक्स करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें हम अगर स्क्रू ड्राइवर लेके इसे घुमा देते हैं तो ये जो जितना चाहिए आपको उसे आप फिक्स कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये VR जो है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो ये बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बहुत सारा कंट्रोलर में, बहुत सारा चीज में इसका इस्तेमाल होते हैं, ओके। और ये हाई वाट के लिए है, ये जो दिखाई दे रहा है ये वायर वुंड। तो चलिए रजिस्टर का जो मैं सिंबल बताइए ये सब सही है। और अब आइए कॉयल। तो कॉयल जो होता है, ये होता है कॉयल का सिंबल, ओके। तो ये कॉयल है। और अगर ये कॉयल आपको मालूम है, तार है, सिंपली तार है, मतलब सॉरी मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए ये जो तार है इसे मैं किसी चीज के ऊपर ऐसे गोल करता हूं, देखिए। तो ये अभी कॉयल हुआ है, ओके। तो ये कॉयल है और ये कॉयल का सिंबल है।
ओके, तो इस कॉइल को हम बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए एक ऐसा सिंबल है, ठीक है, ये ऐसा अगर सिंबल होता है तो ये चोक कॉइल, CHOKE चोक कॉइल, ओके। और कॉइल से रिलेटेड बहुत कुछ आपको जानना चाहिए, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, देखता हूँ कि इसमें कितना लोगों का इंटरेस्ट है, तो उसके बाद मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा सब चीज को एक एक करके दिखाने के लिए। तो ये कॉइल मैं आपको दिखा दिया, और इसके अंदर कोई मेटालिक चीज जैसे कि मैग्नेटिक मेटालिक चीज जैसे कि ये जो लोहा या फिर फेरिट्रॉयड लोहे जैसा होता है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि इसमें ये देखिए, सिर्फ ये चीज को देखिए, ये लोहे जैसा है लेकिन ये लोहा नहीं है, पर ये मैग्नेट में लग जाता है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैग्नेट इधर लग रहा है, तो ये फेरिट्रॉयड है। तो इसके ऊपर अगर कोई एक कॉइल को, आपको एक कॉइल को चोक कॉइल कहना है, एक कॉइल को चोक कॉइल भी कई तरीके का होता है, और ये अगर दो कॉइल लग गए एक ही फेरिट में तो ये ट्रांसफार्मर बन जाएगा, ठीक है। तो उसका एक प्राइमरी होगा और उसका इसका और एक आउट सेकेंडरी मतलब आउटपुट होगा, मतलब इनपुट और आउटपुट हो जाएगा। तो अब जाएंगे ट्रांसफार्मर पे, तो ट्रांसफार्मर क्या चीज है, देखिए TRANS, तो ये है ट्रांसफार्मर, और इसका जो डायग्राम होता है ये एक कोर होता है, ओके, और इसकी दोनों तरफ बहुत सारा कॉइल भी होता है, मतलब दो कॉइल होगा ये नहीं है। तो ये देखिए कोर, ये कॉइल का, ये अगर प्राइमरी है तो इस साइड में इसका सेकेंडरी होगा, ठीक है, इसमें सेकेंडरी है, तो ये ट्रांसफार्मर बन गया है, और ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन स्टेप अप भी हो सकता है, मतलब अगर इनपुट कॉइल आपका पहला वाला प्राइमरी कॉइल आपका इसमें अगर आपने लो वोल्टेज इनपुट कर रहे हैं और इसका कॉइल का जो ओम्स है मतलब वो कम ओम्स का और कॉइल ज्यादा नहीं है, तो इसमें कम वोल्टेज इनपुट करने से ये अगर इस साइड में आउटपुट मतलब सेकेंडरी में अगर आपका ज्यादा कॉइल होगा, मान लीजिए इसमें 10 टर्न्स है, मतलब 10 पाक इसमें घुमाया और इसमें आपका 400 टर्न्स है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इस साइड से अगर इनपुट होता है तो ये इसमें अगर 12 वोल्ट मान लीजिए इनपुट हो रहा है एसी 12 वोल्ट एसी, तो इसमें से आपको 250 वोल्ट, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये कोर और कॉइल की थिकनेस के हिसाब से होता है, तो वो बाद में देख सकती है दूसरी जगह पे भी और मेरे को भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें से 250 वोल्ट एसी निकलेगा, ओके। और ये ट्रांसफार्मर बहुत सारा तरीके का होता है, जैसे कि एक नॉर्मल है, स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप होता है, ऐसा तो है, और फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर भी होते हैं। तो ये देखिए, ये सिंगल है, मतलब इसमें जीरो और इसमें वोल्ट होता है, ठीक है, मेनली। और इसमें मैं स्टेप डाउन के बारे में बता रहा हूँ आपको कि पहले मान लीजिए इसमें 220 वोल्ट इनपुट हो रहा है, वो भी एसी में, ट्रांसफार्मर में एसी वोल्ट या तो डीसी का पल्स इनपुट होता है, वरना डायरेक्ट डीसी में ये काम नहीं करता, ये और कॉइल जो है वो जल जाता है, तो इस साइड का कॉइल हिसाब से ज्यादा होगा और इस साइड में आपका आउटपुट हो रहा है, आपका आउटपुट हो रहा है 12। तो ये स्टेप डाउन नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, तो ये एक नंबर हो गया, और दो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कोर है, ये जीरो, ये 12, ये 12, इसमें 24 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सेंटर टैपिंग,
सेंटर में इसका 0 वोल्ट होगा, तो ये सेंटर टैपिंग। तो ये 2 नंबर का हो गया। और तीसरी नंबर पे आता है कि कई सारा आउटपुट होता है, मतलब बहुत आउटपुट होता है, अलग अलग आउटपुट होता है। जैसे कि ये इनपुट और इधर एक कॉयल, ये इधर से इधर एक कॉयल, इधर से एक कॉयल, ये दोनों एक कॉयल और ये दोनों एक कॉयल, और ये दोनों में से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 4 आउटपुट मिल रहा है आपको, और कॉयल की टर्न की सबसे में वोल्टेज वेरी करेगा। तो ये इस्तेमाल होता है हम लोगों का बहुत सारा प्रोजेक्ट पार्ट्स में, प्रोजेक्ट डिवाइस में, मतलब सप्लाई में, पावर सप्लाई में, वेरिएबल सप्लाई में, तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक तरह की होता है कि जैसे कि 11,000 वोल्ट उसमें इनपुट हो रहा है, जैसे कि हम लोगों का घर में जो बिजली आता है उसमें एक ट्रांसफार्मर के साथ गांव में शहर में वो कनेक्टेड होता है, तो वो 11,000 बिजली आपका 440 और 220 में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, दूसरी कंट्री का नहीं, 220 वोल्ट में कन्वर्ट होते हैं, लो वोल्ट में, बराबर। और वो भी एक तरह के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर। और अब एक कॉमन डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, वो है डायोड। ओके, तो डायोड, डायोड का मेन सिंबल जो है ये है, ये होता है डायोड का सिंबल, ठीक है। ये है पॉजिटिव साइड और ये है नेगेटिव साइड, ठीक है, एनोड कैथोड भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें, इस साइड में अगर आपने नेगेटिव वोल्टेज डाला तो इसमें से कुछ नहीं जाएगा, और इस साइड में आपने अगर पॉजिटिव वोल्टेज डाला, पॉजिटिव इनपुट किया, तो इधर से पॉजिटिव जाएगा। लेकिन इधर से अगर आपने पॉजिटिव वोल्टेज डाला तो तब भी इधर में पॉजिटिव साइड है, तो इधर से नेगेटिव साइड में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और हम लोग इसका इस्तेमाल एसी को डीसी करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए, फ्यूज की तरह बहुत कुछ जगह पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायोड है, और डायोड बहुत सारा होता है, जैसे कि ये तो नॉर्मल डायोड है, और ये एक और डायोड मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जेनर डायोड है। और भी एक डायोड होता है, और कई तरह की डायोड होता है, ठीक है, लेकिन जो जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसका ही डायग्राम हम दिखा रहे हैं। और एक ये भी नॉर्मल डायोड जैसा ही दिखता है, तो ये एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, ओके, एलईडी। और डायोड का कनेक्शन कैसे होता है एसी को डीसी करने के लिए, तो डायोड का इस्तेमाल मैक्सिमली होता है एसी से, AC to DC वोल्ट करने के लिए। तो AC क्या है, DC क्या है, आपको शायद मालूम नहीं है, तो वो अगर आपको मालूम नहीं है तो मेरे को कॉल कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर मेरे को जानना है, तो मैं आपको खुद बताऊंगा, ओके। और AC to DC करने के लिए, तो ये नॉर्मल डायोड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो इसके लिए नॉर्मल मान लीजिए एक पॉइंट से आपका, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपका एसी पल्स आउटपुट हो रहा है, एसी वोल्ट। तो इसको हम अगर रेक्टिफाई करें तो दो तरीका की अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे कि एक एक सर्किट बना रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव साइड है और ये भी पॉजिटिव साइड है, तो ये एसी वोल्ट यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, डीसी वोल्ट डीसी, और इधर से डायरेक्टली एसी आएगा यहाँ से, और डायरेक्टली ये नेगेटिव, मतलब ये दोनों को जोड़ के आउटपुट हो जाएगा, ओके। और एक चीज होता है कि ये दोनों
आउटपुट से, एक तो होता है पॉजिटिव का, मतलब दो डायोड इसमें भी इस्तेमाल होता है, और इसमें दोनों की जगह एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक डायोड ऐसे होता है। तो इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव आएगा डीसी। ओके, तो ये सब सिंगल वेव रेक्टिफायर है, और फुल वेव रेक्टिफायर फुल, तो ये सब सिंगल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो मैं डायोड दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए डायोड, और डायोड का अलग अलग नंबर होता है। तो ये सिंगल वेव है, और अब फुल वेव रेक्टिफायर मैं दिखाऊंगा। ओके, तो फुल वेव रेक्टिफायर में चार डायोड कनेक्टेड होता है। इसमें से पॉजिटिव, और इसमें से नेगेटिव आउटपुट होता है, ये ओ यू टी आउट। ओके, और इसमें एसी, और इसमें एसी, तो जो एसी पल्स इधर से आएगा तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पल्स आएगा, तो नेगेटिव पल्स जो होगा इस डायोड की वजह से इधर आ जाएगा, और पॉजिटिव पल्स जो आएगा इधर से ये राइट साइड में आ जाएगा, और इधर से भी एसी पल्स मतलब दोनों पल्स नेगेटिव और पॉजिटिव इधर एक साथ आएगा, तो नेगेटिव पल्स इधर आ जाएगा इस डायोड की वजह से, और पॉजिटिव पल्स इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाथ में बनाया जाता है, और ऐसे रेडीमेड फुल वेव रेक्टिफायर डायोड ऐसे दिखता है आपको, ऐसा होता है, चार पिन का होता है, बीच में होता है इसका एसी, ये दो पिन, और इसमें जिस साइड में से काटिंग होता है इसमें एक साइड में काटिंग होता है, तो उसमें पॉजिटिव होता है और दूसरी साइड में नेगेटिव होता है, तो ये आउटपुट, इधर भी आउटपुट। ओके, तो ये डार्ट में अभी क्लोज कर रहा हूँ इस वीडियो को। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस क्लास को, तो कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, कल सुबह मिलेगा शायद, इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सो हैव अ नाइस डे। सो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।